बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड एंड व्लॉग्स विद अफशीन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ सी व्यू कराची क्लिफ्टन का है, और हम पहुँच चुके हैं। देखें रेत ही रेत है यहाँ से, बच्चे फ़ौरन आगे की तरफ भागे कि हम जल्दी से सी व्यू पर पहुँच जाएँ समंदर पर। और देखें हर तरफ जो है, दिन का टाइम था 2 बजे का, और फिर भी रेत इतनी ठंडी है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। और ऊंट और घोड़े और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और बच्चे बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सबसे आगे भाग के सबसे पहले बच्चे ही पहुँचे, और ये देखें कितना प्यारा हॉर्स है। और छोटा बेटा मेरा ज़िद कर रहा था बैठने की, और मुझे डर लग रहा था, बच्चे बहुत छोटे हैं मेरे, तो मैंने कहा आप सिर्फ़ पकड़ के खड़े हो जाओ, मैं आपकी पिक्चर और वीडियो बना लेती हूँ। तो मोहम्मद सुभान जो हैं, फिर उन्होंने हॉर्स की रस्सी पकड़ी और खुश हो रहे थे, इनका दिल कर रहा था ऊपर बैठने को, बट घोड़े जो है वो दौड़ भी रहे हैं, तो मैंने कहा बच्चा गिर ना जाए, छोटा है। तो अब खुशी खुशी घोड़े को आगे की तरफ लेके आ रहा है सुभान, और सब बहुत इंजॉय किया। सब पूरी फैमिली गई थी और सब ने बहुत इंजॉय किया। और वो देखें कैमल जा रहे हैं, तो बच्चे ज़िद कर रहे थे हमने ऊँट पे भी बैठना है, ऊँट की सवारी करनी है, तो मैंने कहा चले ऊँट पे आप लोग बैठ जाना। और सब ने बहुत इंजॉय किया। आप लोग भी ज़रूर विज़िट करें क्लिफ्टन का, सी व्यू का, और फैमिली के साथ आएँ, इंजॉय करें। और बच्चों ने तो खूब पानी के अंदर तक मैं बार बार बाहर बुलाऊं और पानी में चले जाएं, खूब खेला, मस्ती की, इंजॉय किया, और सब बहुत खुश थे। लेकिन बच्चों की जो खुशी है ना, वो सबसे ज़्यादा थी। और ये देखें पानी की लहरें आगे की तरफ आ रही हैं, और ये छोटा भी इसके अंदर पानी के अंदर बार बार जा रहा था, इनका दिल कर रहा था आगे जाने को, बट डेंजरस होता है, तो मैं इनको बार बार पकड़ के पीछे ला रही थी कि आप ज़्यादा आगे ना जाओ पानी में। और मौसम भी अच्छा था, वेदर भी अच्छा है अब, और कभी कभी फैमिली को लेके ट्रिप पे निकलना चाहिए कि बच्चे भी बोर हो जाते हैं और बड़ों का भी दिल करता है। और ये अलिशबा, ये मेरी बेटी है, ये भी बहुत खुश थी। और सारे बच्चे जो हैं, खूब इन्होंने कपड़े गंदे किए, कपड़े गीले किए, खूब मस्तियाँ की, इंजॉय किया इन्होंने। और ये देखें काफ़ी रश था बीच पे, काफ़ी फैमिलीज आई हुई थी। और ये देखें शाम का टाइम शुरू हो रहा था, तकरीबन 3-4 बज चुके थे, और पानी इतना ठंडा ठंडा लग रहा था। फिर जैसे जैसे शाम हो रही थी तो बच्चों को सर्दी लगने लगी, फिर हमने कहा इनके कपड़े वगैरह फिर हम चेंज कर देंगे, क्योंकि सारे बच्चे गीले हो चुके थे। तो जो बड़े बच्चे थे वो तो आगे भी गए पानी में, फिर कैमल पे भी बैठे बच्चे, ज़िद कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें आप लोग कैमल पे बैठ जाएं। तो बच्चे कह रहे थे मामा आप भी बैठें, तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बैठना, मुझे डर लगता है। तो फिर इनके पापा और बच्चे बैठे, इन्होंने सवारी की ऊँट की, और देखें वैसे कितना प्यारा सजाया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है वो। और ये लहरें देखें समंदर की आगे की तरफ आ रही हैं, और बहुत खूबसूरत व्यू था, बहुत अच्छा लगा जी। तो सब ने बहुत इंजॉय किया, आप भी लाजमी विज़िट करें सी व्यू क्लिफ्टन कराची का, और फैमिली के साथ आएं और खूब इंजॉय करेंगे आप भी। और अब जो बच्चे हैं वो कैमल पे बैठ चुके हैं, और कैमल आगे की साइड गया हुआ है, अभी थोड़ी देर में वापस आएगा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह कैमल, ये देखें ये कैमल आ रहा है, तो ये देखें किस तरह फिर नीचे बैठेगा और किस तरह बच्चे उतरेंगे। मुझे तो डर लग रहा था, इसलिए मैं तो दूर से, मैंने कहा मैं आपकी वीडियो बनाऊँगी, आप लोग बैठो। तो ये देखें अब ये आ चुके हैं, अब ये कैमल बैठेगा तो बच्चे और इनके पापा उतरेंगे, और खुश हो रहे थे बच्चे कैमल पे बैठ के। और अब ये देखें ये ऊँट बैठेगा नीचे तो बच्चे उतरेंगे,
और अब वैसे भी टाइम भी काफ़ी हो रहा था, हमने दूसरी जगह भी जाना था, तो हमने कहा चलें अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर जी, तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।